जय हिंद मेरे साथियों। बिहार में फिर से एक नई शिक्षक भर्ती अपना पैर पसार रही। इस बार 1 लाख से ज्यादा पदों पर फिर से भर्ती होने जा रही है। जी हाँ, इसका आवेदन इस माह के अंतिम या नवंबर के पहले सप्ताह में आवेदन प्रक्रिया शुरू हो सकता है। इसमें बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश या बिहार सटे या बिहार के अन्य राज्यों के अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 3 तरह के पोस्ट हैं। एक है जूनियर शिक्षक भर्ती, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक, हम जिसे टीजीटी पीजीटी के नाम से क्रमशः जानते हैं या समझते हैं। इसमें कौन कौन आवेदन कर सकता है और किसके लिए सीटर जरूरी है, किसके लिए सीटर जरूरी नहीं है, इन सभी पर हम क्रमवार रूप से बात करेंगे। और यहाँ पर हम आपके सभी तथ्यों की बात करेंगे। बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 जो अब अगला भर्ती आने वाला है, जिस पर हम 1,20,000 पदों पर भर्ती की बात सुन रहे हैं और ये उम्मीद है कि पद की संख्या और ज्यादा बढ़ सकती है, इससे और ज्यादा पदों पर भर्ती हो सकती है। बीएड के साथ साथ बीटीसी को भी मौका मिलेगा। जी हाँ, जो जूनियर शिक्षक भर्ती है इसमें बीटीसी और डीएलएड को भी मौका मिलेगा। बीएड तो जूनियर भी भर सकता है, माध्यमिक में और उच्च माध्यमिक में तीनों में आवेदन कर सकता है, लेकिन बीटीसी केवल केवल जूनियर शिक्षक भर्ती में आवेदन कर सकता है, जहां पर उन दोनों को सीटेट पास होना अनिवार्य है। अगर सीटेट पास नहीं है तो क्या आवेदन कर पाएंगे? जी हाँ, सीटेट पास और अपेयरिंग वाले को भी मौका, मतलब जो अपेयरिंग अभ्यर्थी होंगे सीटेट का, वो भी आवेदन कर पाएंगे। माने आगामी जो सीटेट का फॉर्म भरा जाने वाला है, जो सीटेट दिसंबर में होना है, उस सीटेट के लिए भी आप अगर आवेदन करना चाह रहे हैं तो आपके लिए एक बड़ा मौका हो सकता है। अगर आप सीटेट पहले से पास हैं, जो चाहे बीटीसी हो चाहे बीएड हो, तभी आप जूनियर में आवेदन कर सकते हैं। अगर नहीं पास है तो अगर आप चाहते हैं कि आने वाले सीटेट में आवेदन करना चाहेंगे तो आपके लिए एक बढ़िया मौका है। मतलब यह आपको कतई अपने दिमाग में नहीं रखना कि अगर मैं सीटेट नहीं पास हूँ क्या मैं आवेदन नहीं कर पाऊंगा, तब भी आवेदन करें। जैसे कि अभी आपने पीछे देखा, माने सीटेट पास और अपेयरिंग दोनों कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए ध्यान रहे केवल केवल जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए आपके पास जूनियर का सीटेट होना जरूरी है। ये सीटेट भी 2 तरह का होता है। जो सीटेट होगा एक सामाजिक का होगा, सोशल का, दूसरा होगा साइंस और मैथ का। तो यहाँ पर सीटेट आप किससे पास हैं और वो उसी अकॉर्डिंग उसी स्ट्रीम में आप आवेदन करेंगे। इसका जो कंप्लीट सिलेबस होगा इस शिक्षक भर्ती का, अगर आप कमेंट करेंगे मैं उस पर भी लेकर आऊंगा। और आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण नोट्स है, जैसे एनसीईआरटी, क्योंकि आपने देखा प्रीवियस ईयर पेपर एनसीईआरटी के लिए मस्ट है, इसलिए एनसीईआरटी पर फोकस करिए और एनसीईआरटी को ज्यादा ज्यादा पढ़ने का प्रयास करिए। दूसरी बात यहाँ पर एक और चल के आ रही है कि विषय का चुनाव कैसे करें, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन इसके पहले हम ये जानेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि आपके सामने देखिए तेजस्वी जी ने कहा है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी रखे जारी, मैंने शिक्षक भर्ती जो परीक्षा उसकी तैयारी जारी रखे, जल्द ही बहाली हो। मतलब एक और शिक्षक भर्ती आ सकती है, जहां पर साफ साफ कहा गया 1,10,000 शिक्षकों की फिर से की जाएगी नियुक्ति, नवंबर में आएगा विज्ञापन। मैंने यहां देखिए ये प्रिंट मीडिया का है जो खबर जो अब तक पहुंची, हम तक भी पहुंची है, प्रभात खबर ने 20 अक्टूबर को प्रमुखता से छापी थी खबर। यहां पर एकदम साफ कहा गया कि उप मुख्यमंत्री जो बिहार के हैं उनका यह कहना है, तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा शिक्षक भर्ती परीक्षा के सभी अभ्यर्थियों से अपील की है वो अपनी तैयारी को जारी रखें। मैं भी आपसे कहूंगा अपनी तैयारी को जारी रखें, उसके लिए जो भी प्रयास हो अधिकतम करिए, हो सकता है आपके लिए बढ़िया मौका है। बिहार के साथ साथ बिहार के बाहर के राज्य के हैं जो खासकर जैसे मुझे यूपी से देख रहे हैं, अन्य किसी भी राज्य से देख रहे हैं, उनके लिए बढ़िया और बड़ा मौका हो सकता है। और उन्होंने कहा कि अपन बिहार नौकरियां अपार, ऐसा उनका ट्रेंड है और इस पर भी आप चाहे तो काम कर सकते हैं, भर्ती के लिए तैयारी कर सकते हैं। ऐतिहासिक प्रथम चरण में 1,22,324 अभ्यर्थी सफल हो चुके, मैंने 1,70,000 पद के सापेक्ष जो अभ्यर्थी थे उनमें लगभग 1,22,000 अभ्यर्थी सफल हुए हैं और उन सब अभ्यर्थियों को जल्द ही नियुक्ति पत्र मिलेगा, डीवी काम शुरू हो गया जैसा आपने देखा है। एक सवाल आ रहा है कि क्या यहाँ पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो सकती है, क्या प्राथमिक में भी शिक्षक भर्ती होगी, ये भी सवाल बहुत सारे लोगों के मन में आ रहा। अभी तक ये अंदेशा है कि ये पद बढ़ाए भी जा सकते हैं और प्राथमिक शिक्षक भर्ती के पद को जोड़े जा सकते हैं, क्योंकि 10,000 पद प्राथमिक के बच रहे हैं, तो क्या उसके साथ मेरिट को डाउन किया जाएगा या नई भर्ती में जोड़ा जाएगा, इस पर अभी संशय है। लेकिन उम्मीद है कि मेरिट डाउन करने के बाद मेधा सूची फिर से जारी की जा सकती है, माने एक दूसरी लिस्ट भी आ सकती है, इसलिए उन अभ्यर्थियों जिनके थोड़े से मार्क्स कम है उनके लिए ये गुड न्यूज हो सकता है। दूसरी बड़ी बात यह है कि दूसरे चरण में 1,10,000 अधिक शिक्षकों की फिर से नियुक्ति की जाएगी, सभी अभ्यर्थी अपनी तैयारी जारी रखें। 20 अक्टूबर को प्रभात खबर ने खबर छापी थी जहां पर हेडलाइन थी कि 1,10,000 शिक्षकों की फिर से नियुक्ति होगी, जिसका विज्ञापन नवंबर में आएगा। और 31 अक्टूबर को सुबह करीब 9:07 पर ट्वीट करके भी इन्होंने जानकारी दी। तो यहां पर हम लोगों ने देख लिया कि अब एक बात स्पष्ट है कि बिहार में एक बड़ी शिक्षक भर्ती आ रही है और उस शिक्षक भर्ती की तैयारी आपको करना है। स्वतः अपनी तैयारी करते रहिएगा और अपनी तैयारी आगे रखिएगा। साथ ही कुछ सारे सवाल भी आपके मन में आ रहे होंगे। देखिए तैयारी करते समय देखिए, क्योंकि परीक्षा जो बीपीएससी कराएगी और आपने देख लिया कि जो बीपीएससी परीक्षा करा रही है तो उसका लेवल क्या रहा है, आपको अब जो तैयारी करनी है उस लेवल के हिसाब से तैयारी करनी है। अब देखिए, अब समय कम है, आप चाहें तो इलेवन बी दुर्गेश के नोट्स पर फोकस कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे
प्रमुख है कि आप एनसीईआरटी पर ही फोकस करें, क्योंकि एनसीईआरटी जो है वो यू कह सकते हैं कि सिलेक्शन का सबसे बड़ा आधार और स्तंभ बन रहा है। ठीक है, अब हम और आगे अगर यहाँ पे बात करें तो अगर नोट्स मुझे अगर आपको जानकारी चाहिए इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले सकते हैं। अगर आप कहेंगे इसके संपूर्ण जो सिलेबस है उस पर भी मैं वीडियो क्रमवार रूप से लेकर आ जाऊंगा, और आप चाहते हैं मेरी निःशुल्क क्लासेज भी आपके लिए मिलती रहेगी, जहां पर आप टेलीग्राम पर दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग पर दुर्गेश पर जुड़ सकते हैं, जहां पर सभी क्लास के लिंक और नोट्स आपको मिलती रहेगी। मेरे द्वारा सभी क्लास आपके लिए फ्री है। एक बात विशेष ध्यान रखना, अगर भाषा चक्रवर्ती कब तैयारी कर रहे हैं, ये जो पूरा पैटर्न होगा ना ये 40 और प्लस 80 मतलब ये 120 प्रश्नों का सीरीज होगा, जहां पर आप नकारात्मक अंक नहीं है, नेगेटिव अंक नहीं रहेगी, आपको स्पष्ट हो चुका है, आप विषय के आधार पर भी परीक्षा दे सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात यहां पर ये है जीएस है और ये है आपका सब्जेक्ट, जीएस का सब्जेक्ट है, माने जीएस अगर हम बात करें तो इसमें जीएस है, करंट अवेयरनेस है और बिहार स्पेशल है और विविध तथ्य है, और ये आपका सब्जेक्ट जिस विषय से देना चाहते हैं। इनमें तीन तरह के पोस्ट है जैसा कि मैंने बता दिया, एक है जूनियर का, दूसरा माध्यमिक है और उच्च माध्यमिक। अगर हम बात करें तो यहाँ पर जूनियर का पद है और अगर अपनी बोलचाल की भाषा में समझे तो टीजीटी है और पीजीटी है, मतलब यहाँ पे देखिए टीजीटी और पीजीटी, लेकिन जिसमें आप सभी आवेदन कर सकते हैं, माने बीटीसी और बीएड दोनों आवेदन कर सकते हैं, वो है जूनियर, माने 6 से लेकर 8 तक, माने जो ये है आपका 6 से लेकर 8 तक इसमें बीटीसी और बीएड दोनों आवेदन कर सकते हैं, बाकी टीजीटी में केवल बीएड, पीजीटी में केवल बीएड के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने स्टेट दिया हो बिहार शिक्षक भर्ती में। तो एकदम समझ में आ गया आपको, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि टीजीटी और पीजीटी में केवल बीएड के अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकते हैं, अन्य अभ्यर्थियों का मौका नहीं है। लेकिन ये दूसरी तरह अगर हम बात करें तो यहाँ पर जूनियर शिक्षक भर्ती जो 6 से लेकर 8 तक है उसमें दोनों अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, दोनों अभ्यर्थियों को मौका है, बीटीसी और डीएलएड अभ्यर्थियों को। अभी कहा जा रहा है कि सर इसमें किसको ज्यादा मौका है, पिछली बार तो जो प्राथमिक के लिए पद था बीटीसी के लिए पद था लगभग 80,000 पद था, अब लगभग 30,000 पद है क्योंकि जूनियर को केवल 30,000 पद मिले हैं और लगभग 18,000 पद है, पद की संख्या बढ़ाई जा सकती है जैसा कभी बात चल रही है। तो यहाँ पर एक बात और आप समझिएगा कि अब 30,000 जूनियर के पद है, अगर मतलब यहाँ पदों की बात की जाए तो 30,000 लगभग पद आ रहे हैं कि 32,000 यहाँ पर जूनियर शिक्षक भर्ती के पद है। मैं यहाँ पे कलर चेंज कर ले रहा हूँ ताकि आपको ये अलग कलर से ही दिखाई दे, और हमने देखा यहाँ पे 32,000 जूनियर में शिक्षकों की भर्ती होनी है। अब 32,000 में प्राइमरी का जो सीटेट है सभी पास थे, लेकिन इसके लिए आपको जूनियर का सीटेट पास करना अनिवार्य होगा। अब किसका सीटेट पास करेंगे, अब यहाँ आपको जूनियर का जो है वो सीटेट पास होना चाहिए, मतलब सीटेट पेपर 2, यहाँ पर आपके सभी के पास सीटेट पेपर 2 होना जरूरी। देखिए यहाँ पर 2 शायद नहीं दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पर सीटेट पेपर 2 अब दिख रहा होगा, यहाँ पर सीटेट पेपर 2 सबके पास होना जरूरी। और आप ये जानते हैं कि आधे लोग ऐसे होंगे जिनके पास सीटेट पेपर 2 नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग केवल प्राइमरी में फोकस करते हैं, प्राइमरी का सीटेट देते हैं। बीटीसी के अभ्यर्थी प्राय ऐसे होंगे जो जूनियर का सीटेट नहीं पास होंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो पास भी होंगे। अब देखिए अब इसमें भी क्या, बिहार में भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो बिहार से, बिहार में रहने वाले ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो बिहार का जूनियर सीटेट नहीं पास होंगे, जूनियर सेकंड पेपर नहीं पास होंगे, तो उनके लिए नहीं है इसमें, कोई वही व्यक्ति आवेदन कर पाएंगे जो जूनियर का टेट या सीटेट पास हो। अब आवेदन की संख्या अपने आप आधे से कम हो जाएगी, मतलब बात समझिएगा, कुछ लोग कह रहे सर पद आधा हो गया, तो पद के साथ साथ ये भी जानिए आवेदन करने वालों की संख्या भी तो आधी हो गई हो जाएगी, आधे से भी कम हो जाएगी, 4-5% रिजल्ट आपने देखा होगा सीटेट जूनियर का आया है। उससे एक बात और स्पष्ट हो गई कि जब आवेदन करने की संख्या कम हो जाएगी तो कंपटीशन अपने आप आधा कम हो जा रहा है, अब क्रीम बच्चे ये जो आवेदन करेंगे और उन्हीं को सफलता मिलनी है, मतलब एकदम ये बातें साफ हो गई, स्पष्ट हो गई। अगर आप जूनियर शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, बीटीसी है तो आपके पास एक मौका भी बचा है, अगर आपका भी बिहार शिक्षक भर्ती में सिलेक्शन नहीं हुआ है तो जूनियर आपके लिए बेहतरीन मौका है। और इस बार भी मेरिट जो है पेपर का स्टैंडर्ड आपने देख लिया, क्योंकि अब दोबारा बिहार शिक्षक भर्ती पेपर कराएगी तो इसलिए पेपर स्टैंडर्ड थोड़ा सा कम रहेगा, क्योंकि मेरिट बाद में जो कट ऑफ डाउन करना पड़ा है, टिकटी मार्किंग हटाना पड़ा है, उस चीज को देखते हुए अब बीपीएससी क्या करेगी, इस बार पेपर का पैटर्न सरल करेगी, सरल करना उनकी मजबूरी, क्योंकि आप देख रहे हैं किस हिसाब से इस तरह से यहां पर प्रश्न में पेपर आ रहे हैं। ठीक है, अब हम आगे तो बिहार में हमने और आपने एकदम देख लिया है कि अब पेपर का स्टैंडर्ड थोड़ा सरल होगा, अब पुराना रवैया नहीं रहेगा कि पेपर स्टैंडर्ड इतना हाई रहे, इसलिए अभी भी आपके पास मौका है, आप तैयारी कर सकते हैं, खासकर जो अदर राज्य के स्टेट है, माने जो अदर स्टेट के हैं, जो दूसरे राज्यों के हैं, अदर स्टेट के जो लोग हैं उनके लिए, दूसरे राज्य के जो लोग हैं उनके लिए बढ़िया मौका है वो बिहार में जाए, क्योंकि अब यहाँ समझिएगा जो बीएड के अभ्यर्थी हैं, ध्यान समझिएगा प्रयास करिएगा, जो बीएड के अभ्यर्थी हैं वो तीनों में आवेदन करेंगे, वो जूनियर में भी आवेदन करेंगे, समझने का प्रयास करिएगा, वो
जूनियर के साथ साथ वो टीजीटी में भी आवेदन करेंगे, वो पीजीटी में भी आवेदन करेंगे, माने जो बीएड का अभ्यर्थी है जो बिहार का होगा वो तीनों में आवेदन करेंगे, उसने जितने लोगों ने एस्टर दिया वो तीनों में आवेदन करेंगे। जब व्यक्ति मेरी बात समझने का प्रयास करेगा, मैं आपको फिर समझा रहा हूँ, देखिए 6 से 8, 9, 10, 11 बार जब बीएड का अभ्यर्थी तीनों में आवेदन करेगा, हो सकता है उसमें अगर इसमें इसमें मिल गए जो तो इसमें करेगा, इन दोनों को छोड़ देगा, हो सकता है इसमें न मिले केवल माध्यमिक में हो जाए तो जूनियर को छोड़ देगा, अब किसी में नहीं होगा तब वो इसमें करेगा। मतलब जो बीएड का अभ्यर्थी है वो 6 से 8 वाले में भी आवेदन करेगा, वो माध्यमिक में भी करेगा, उच्च माध्यमिक में करेगा। तो बिहार के अभ्यर्थी जिन्होंने एस्टर दिया वो तो तीनों आवेदन करेंगे। अब उनकी नौकरी मिलने के समान, क्योंकि ग्रेड पे और सैलरी सब ऊपर वाले में ज्यादा है तो ऊपर के अगर पद मिलेगा तो नीचे अपने आप छोड़ देंगे। इस हिसाब से यहाँ पर अगर आप देखा जाए कि बीएड के अभ्यर्थी जो मौका है वो ज्यादातर क्या करेंगे, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की तरफ अपना प्रभाव रखेंगे, वो अपना झुकाव इन पदों के लिए रखेंगे। तो इसलिए बीटीसी और डीएलएड के अभ्यर्थियों के लिए यह राह आसान हो जाएगी। जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी है उनके लिए इसलिए राह आसान हो जाएगी कि जो उनके सीट जनरल के मिलेंगे उसमें जो फाइट है वो कम हो जाएगी। अगर उनकी फाइट कम हो जाएगी, कम अगर नहीं होगी तो जो सेकंड लिस्ट बनेगी उसमें उनका सिलेक्शन हो जाएगा। कारण यह है कि ये भी जो बीएड का अभ्यर्थी तीनों में पास होगा, तीनों में तो कौन से किसमें कराएगा, वो उच्च माध्यमिक में कराएगा या माध्यमिक में कराएगा, और दोनों में नहीं हुआ तब जाकर वो जूनियर में कराएगा। इसलिए जो संभावना बन रही है कि मेरिट की लड़ाई वो यहां पे आपके लिए पक्ष में आ जाएगी, और यहां पे अगर आपके पक्ष में आ जाएगी सिलेक्शन की क्या होगी, संभावना आपकी बढ़ जाएगी। तो मानेंगे जो बीटीसी डीएलएड के अभ्यर्थी हैं उनके लिए कहीं ना कहीं ये रास्ता हो जाएगा जूनियर के लिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो एस्टेट नहीं पास है, बीएड के अभ्यर्थी उनके लिए भी मौका है, मैंने बीएड के लिए अब नौकरी मतलब मिलना यहाँ पे तय है। मैंने जो बीएड के अभ्यर्थी अदर राज्य के हैं उनको तो नौकरी मिल जाता है, किसी में से एक में उनको नौकरी मिल जाएगी। लेकिन जो डीएलएड के अभ्यर्थी हैं जिनका सिलेक्शन अभी नहीं हुआ उनके लिए मौका है, कम से कम अभी 3 से 4 महीने आपके पास है। जनवरी में उम्मीद लगाई जा रही है कि जनवरी में परीक्षा हो सकता है, लेकिन जिस हिसाब से बिहार सरकार तेजी में हो सकता है वो दिसंबर के अंत में ही परीक्षा करा दे। तो आप कोशिश करिएगा अपनी पकड़ खुद पर मजबूत बनाने के लिए। जब अपनी पकड़ को मजबूत बना लेंगे तो सिलेक्शन की संभावना आपकी खूब बढ़ जाएगी। इसके अलावा अदर राज्य को पूरा पूरा मौका है, पिछली बार की तरह अदर स्टेट के भी अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं और आप भी आवेदन कर सकते हैं। अगर आप सीटेट पास नहीं है तो आवेदन इसलिए कर सकते हैं क्योंकि अपेयरिंग में सीटेट वाले आवेदन कर पाएंगे, जैसा कि हमने देखा है। अगर आप एस्टेट नहीं दिए हैं तो आप माध्यमिक उच्च माध्यमिक में नहीं आवेदन कर सकते, इसलिए बात एकदम साफ स्पष्ट हो गई। फिर से सवाल में घुमा के बताऊंगा इसमें बीटीसी बीएड दोनों को मौका है। इसके अलावा अगर कोई सवाल पूछ सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिएगा। बिहार शिक्षक भर्ती जुड़ी सभी चीजें आपके लिए अपडेट हम क्रमवार रूप से लेकर आते रहेंगे, सेशन और क्लास भी आपको मिलती रहेगी। कोशिश करिएगा आप इसकी नोट्स पढ़िएगा क्योंकि समय कम है, और खुद पर फोकस करिए, अपनी चीजों को पढ़ने का प्रयास करिए क्योंकि बीपीएससी का लेवल आपने देख लिया, हो सकता है इस बार लेवल थोड़ा सा आसान हो, कम किया जा सकता है लेकिन उतना नहीं जितना लोगों ने बना के रखा है। फिलहाल वीडियो को अपने मित्रों को साझा करिएगा, लाइक नहीं तो लाइक करेगा, आपका कोई सवाल हो तो कमेंट करें। वैसे इस पूरे शिक्षक भर्ती पर नए शिक्षक भर्ती में आपका क्या सुझाव है वो वीडियो में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं पेज को फॉलो करिएगा, वीडियो को खूब मित्रों तक शेयर करिएगा, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। और अगर कोई व्यक्तिगत सवाल है तो इलर्निंग विद दुर्गेश इंस्टाग्राम पर अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। उम्मीद करते हैं बिहार शिक्षक भर्ती जुड़े हुई सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी, फिर भी बहुत सारे सवाल आपके मन में रह गए होंगे वो भी आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये पूरी कोशिश की कि आपके सारे तथ्यों को क्रमवार रूप से बताया जाए कि बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 शुरू होने जा रही है, अपनी तैयारी को जारी रखिएगा। लगभग 1,20,000 पद हो सकता है, पदों की संख्या और बढ़ाई जा सकती है, और अगर रिविजिट जो दोबारा लिस्ट नहीं जारी होती, बीएड को तो मौका है क्योंकि बीएड जूनियर भी भर सकता है माध्यमिक उच्च माध्यमिक में, लेकिन साथ साथ बीटीसी वालों को भी जूनियर में मौका है, लेकिन उनके लिए सीटेट पास होना जरूरी है। लेकिन अगर सीटेट जो पास नहीं है अपेयरिंग वाले भी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। विषय का चुनाव कैसे करें इस टॉपिक पर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा पूरा क्रमवार पूरे सिलेबस के साथ, क्योंकि विषय का चुनाव करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना है क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है, और सिलेक्शन मैंने आपको बताया सीटेट जिस हिसाब से पास है उस हिसाब से ले सकते हैं, सोशल वाले भाषा की तरफ जा सकते हैं। केवल जो विज्ञान से सीटेट पास है, माने विज्ञान का मतलब समझ रहे हैं ना, साइंस विज्ञान और गणित से जो सीटेट पास है वो विज्ञान और गणित का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। बाकी जो सामाजिक में जाएंगे भाषा में जाएंगे उनको आपके लिए सामाजिक विज्ञान का एसएसटी का सीटेट या सोशल का सीटेट पास होना अनिवार्य है। और खासकर कुछ लोगों ने कहा सर मैं भाषा का चयन के साथ साथ अगर मैं कॉमर्स के स्टूडेंट में किस में जाऊंगा तो आप एसएसटी की तरफ जाएंगे, ठीक है। विषय का चुनाव कैसे करना ये मैंने आपको बता दी, इसकी अगर आप कहेंगे तो मैं पूरी अलग सेपरेट वीडियो बना दूंगा पूरे क्रमवार उसको, जो वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है। कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं, बीटीसी बीएड दोनों आवेदन फॉर्म भर सकते हैं, सीटेट पास नहीं वो भी आवेदन कर सकते हैं, टीजीटी पीजीटी मैंने माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए आपके लिए एस्टेट जरूरी है, सीटेट की वहाँ कोई दरकार नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मतलब एकदम साफ स्पष्ट हो गया कि आप सभी अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं चाहे बीटीसी या बीएड के हो। अगर इसके अलावा कोई प्रश्न हो तो कमेंट करेगा, समय कम है इसलिए नोट्स को फोकस करेगा, नोट्स आपको मिल जाएगी, इलानी भी दुर्गेश से नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं, ये नोट्स आपको कम समय में बेहतर तैयारी करने के लिए मिल जाएंगी, और क्योंकि समय कम है घर बैठे आप मंगा सकते हैं आप, क्योंकि इसलिए क्योंकि मैं इस
चैनल के माध्यम से आप तक अपनी बातें पहुंचाता हूं, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप चाहे इसके नोट्स का पूरा प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए आप इस नंबर पर काले व्हाट्सएप पर जाकर ले सकते हैं। कोशिश करिएगा अपने विषय से संबंधित सभी एनसीईआरटी को कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी नोट्स अगर आपने पढ़ लिया तो शायद आपकी तैयारी करने की जो देखिए यहाँ पे नंबर शायद साफ नहीं दिख रहा है, मैं फिर से आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। कोई सवाल हो तब तक आप पूछ सकते हैं। देखिए 6306344367 है, आप नोट संबंधी सभी जानकारी ले सकते हैं। एक बार एनसीईआरटी को पूरा पढ़ लीजिएगा, एनसीईआरटी बहुत मोटी हो जाएगी। अभी भी नहीं दिख रहा है, चलिए अगर अभी भी नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ पे नंबर लिख दे रहा हूँ 6306344367। ठीक है, यहाँ पे वैसे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी। टेलीग्राम पर आप लोग जुड़े रहिएगा, जितने भी लोग देख रहे हैं टेलीग्राम पर आप सर्च करिएगा दुर्गेश सर, बिना स्पेस के ई लर्निंग विद दुर्गेश सर, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। सभी सूचनाएं आपको एक ही जगह आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। फिलहाल उम्मीद करते अपनी तैयारी जारी रखिएगा, कोई सवाल कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, कोई फीडबैक हो एनसीईआरटी जरूर पढ़ेगा। मैं बार बार कहूँगी बीपीएससी का अपने झुकाव देखा एनसीईआरटी की तरफ है, एनसीईआरटी की नोट्स पूरी ई लर्निंग विद दुर्गेश पर उपलब्ध है, आप जाके वहां से प्राप्त कर सकते हैं जो भी लोग यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं। चलते हैं हम एक नए सेशन की तरफ, तब तक के लिए मिलते हैं और अध्याय के साथ आपके जो प्रश्न होंगे उसके जवाब के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत। ठीक है, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा आप लोग।